स्वागत है हमारी YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऑल कोर्स के बारे में कि कितने मार्क्स पे जो है आपको एडमिशन जामिया में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जामिया में एडमिशन के लिए कितना मार्क्स की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें जो है इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि नंबर ऑफ सीट कितना होता है ऑल ब्रांच में। ठीक है, उसके बाद क्या है वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है कि नहीं जामिया में। फिर उसके बाद करेंगे कट ऑफ का रेंज क्या था, पेपर कैसा कैसा होता है इनमें। ठीक है, और उसके बाद करेंगे कि जो आपका प्रीवियस पेपर का जो भूमिका रहा इस बार पेपर में वो कैसा था। ठीक है, तो सबसे अहम चीज़ हुआ कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है कि नहीं, कौन कौन से ब्रांच में जो है वेटिंग क्लियर होता है। ठीक है, अब कौन से ब्रांच में कितना सीट है ये भी हम लोग आज पता करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है हम लोगों को ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ सीट कितने ब्रांच में कितने हैं। अगर नंबर ऑफ सीट आपको अगर जानना है, आपको जानकारी लेना है, तो वो हर वीडियो जो है आप हमारे चैनल पे ले सकते हैं। हर ब्रांच का जो है आपको नंबर ऑफ सीट या कट ऑफ लिस्ट सब जो है हमारे चैनल प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ का रेंज क्या होगा, या जो एडमिशन में जो है अहम भूमिका कट ऑफ को क्यों दिया जाता है, अहम भूमिका क्या है कट ऑफ को क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होता है, एक अहम भूमिका निभाता है एग्ज़ाम के दिन। अहम भूमिका निभाने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये होता है कि कितने स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और कितने स्टूडेंटों ने जो है एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई किया। तो स्टूडेंट पर ही निर्भर करता है उसके कट ऑफ को। ठीक है, कट ऑफ को लेकर क्या है उसके स्टूडेंट पर ही निर्भर करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ का पता कहाँ से हमें चलेगा। तो कट ऑफ भी आपके हमारे चैनल पर आपको हर एक ब्रांच का जो है कट ऑफ आपको मिल जाएगा, एक एक्सप्लेन और एक्सेप्टेड जो है कट ऑफ आपने हमने बना के डाला है, तो आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में होगा हमारा आल ब्रांच जो है, जिस चीज़ का भी चाहते हैं आप, कोई भी यूजी पीजी कोर्स आल कोर्स जो है यहाँ पे मौजूद है। कट ऑफ जो है एक्सप्लेन किया है एनालिसिस करने के बाद। और दूसरी चीज़ है, आप अगर पेपर रिव्यू देखना भी चाहते हैं तो आपको पेपर रिव्यू भी हमारे चैनल पे मिल सकता है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईआईटी की पेपर कैसा होना चाहिए था। तो एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है कि आपके हिसाब से पेपर बनाता है, जो अगले साल का प्रीवियस का पेपर होता है और उससे पिछले साल का जो पेपर होता है उसी को देख के जो है एग्जामिनर क्या करता है पेपर बनाता है। वो बाहर से पेपर ढूंढ के नहीं लाता है, मतलब उसकी दिमाग की उपज नहीं होती है पेपर, जो उसको जो है जामिया के जो साइड पे, तो पहला सिलेबस जो होता है पेपर जो बनता है हमारा एंट्रेंस का जो पेपर बनता है उसकी बात यहाँ पे चल रही है। जो एंट्रेंस का पेपर जो हमारा बनता है वो एग्जामिनर जो बनाता है वो क्या करता है दो साल प्रीवियस पेपर का जो है सही से एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस होता है उस कोर्स का उसको देखता है और उसके हिसाब से जो है उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाता है। सिर्फ ये करता है कि अगर इस बार जो है पूछ दिया है कि असहयोग आंदोलन कितने सन में हुआ था, तो उस बार ये पूछेगा कि असहयोग आंदोलन में कितने मेंबर थे या किसके द्वारा शुरू की गई थी, या असहयोग आंदोलन किस किन को मिला के जो है शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन होता है, जैसे कि इस बार जैसे पूछ देता है आपको कि अगर जो है जूल को क्या यूनिट होगा, जूल का क्या यूनिट होगा, तो उस बार पूछ सकता है कि मास का क्या यूनिट होगा। यही फर्क होता है, बस यूनिट से ही टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको यूनिट सही से पढ़ना तो होगा। यूनिट सही से पढ़ेंगे तभी तो हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको जो है प्रीवियस का जो है एक मेन वेटेज होता है आपके एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में क्या होता है मेन वेटेज होता है, आपको निर्भर होना पड़ता है 40 से 50% जो है क्वेश्चन जो है आज जो अभी जामिया में प्रेजेंट जामिया में एग्ज़ाम चल रहा है एंट्रेंस का, उसमें 30% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं प्रीवियस पेपर से आ रहे हैं। तो आपको प्रीवियस पेपर का भी ध्यान रखना होगा अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कितना क्लियर होता है जामिया में। तो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा इस बार, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि वेटिंग लिस्ट की मैं एक वीडियो बनाऊँ अलग से, तो मैं तुरंत जो है वीडियो बनाऊँगा कि जो है बीए में, बीकॉम में, बीएलएलबी में, एलएल में, बीए हिंदी ऑनर्स में, या ऑनर्स हिंदी में, या उर्दू में, ठीक है, या कोरियन लैंग्वेज में, ठीक है, उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स में, या बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले में, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं
ठीक है, एमए पॉलिटिकल साइंस में जितने भी ब्रांच है इसमें जो है कितना वेटिंग क्लियर होता है या होता है कि नहीं होता है, इन सब चीज़ों की बात हम एक वेटिंग जो है लिस्ट वाला जो है एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बनाने को तैयार हूँ, आपको मैसेज करना होगा, कमेंट करना होगा एंड इस वीडियो को जो है प्लीज़ शेयर करना होगा हर जगह, क्योंकि उन बच्चों को मिल सके जिनको ये जो है कंक्लूजन होता है कि कट ऑफ क्या होता है, क्या मतलब किस हिसाब से कटता है, क्या मतलब ये जो रिजर्व है, जो रिजर्वेशन मिलता है मतलब कि ST और SC या इंटरनल स्टूडेंटों को, उसमें हमारा नंबर चला जाता है, कुछ नहीं होता है। हमारा जो अपना जनरल का अलग जो है कोटा होता है, ठीक है, अपना अलग कोटा होता है, ये नहीं है जैसे कि अगर 15% जो है SC वालों को दे दिया गया है कोटा तो उससे बाहर होता ही नहीं है। एक बात अपने ध्यान में रख लीजिए कि अगर रिजर्वेशन जो है उनको रिजर्व कर दिया गया है कि इतना सीट आपका है तो उससे वो बाहर उठते ही नहीं कि जनरल भी जा सके। जनरल वाला सीट सिर्फ जनरल के लिए होता है, उसमें कोई ST या SC नहीं आ पाता है। अब वही एक दो आ जाते हैं तो उसकी कोई गिनती नहीं होती, लेकिन कोई आता नहीं, वो अपने ही सीट से कम रहते हैं तो दूसरे में क्या आएंगे, तो यही मामला होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों यारों और घर वालों, अपने फ्रेंड्स, फेसबुक, लाइक, ट्विटर सब में इस चीज़ को फैला दीजिए। ओके दोस्तों, खुदा हाफिज़।